खबर कानपुर से। दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा एक गरीब परिवार की मदद के लिए आगे बढ़े हाथ। यूनाइटेड पब्लिक स्कूल में दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा प्रेस वार्ता हुई। अजमेर सिंह 32 वर्षीय रुद्रपुर के छोटे से गांव के निवासी हैं, जिनका एक दुर्घटना में पैरों में 3 रॉड और 1 प्लेट पड़ी है। बनारस के प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 महीने जैसे तैसे इलाज चला। इसके बाद ना इनके पास इलाज के लिए पैसा था और ना कोई सुनवाई थी। ये केस वानर सेना के संरक्षक अजीत प्रताप सिंह के संज्ञान में आया और दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी की सेक्रेटरी एवं वानर सेना की कोषाध्यक्ष मनप्रीत कौर और स्मृति धनधानिया कानपुर मंडल अध्यक्ष वानर सेना में अजमेर सिंह के इलाज का बीड़ा उठाया। अजय सिंह रुद्रपुर निवासी द्वारा अजमेर सिंह को कानपुर एम्बुलेंस से लाने ले जाने का बीड़ा उठाया गया। अजमेर को हैलट में भर्ती करा के डॉक्टर अर्पणा एवं डॉक्टर गर्ग का योगदान रहा एवं हैलट में सारी सुविधा निःशुल्क करा दी गई। मान सिंह जी के द्वारा खाने की सेवा की जा रही है। अजमेर सिंह साल भर तक कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं होंगे। आप सबके सहयोग से तन मन धन से सेवा की जा रही है। आप सभी से अपील है कि इस मुहिम में हमारे साथ आगे आए। सिख वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष विक्की छाबड़ा, आई एम रोहतगी, वानर सेना, जिम्मी भाटिया, हमारा कानपुर आदि संस्थाएं आगे आई हैं एवं सभी की सहायता से 1 लाख रुपए अजमेर सिंह के अकाउंट में 1 लाख की धनराशि इकट्ठी की जा चुकी है। आप सबसे ये आग्रह है कि हैलट वार्ड नंबर 2 बेड नंबर 21 फल खाना पैसा किसी भी तरह से सेवा कर सकते हैं एवं उसका मनोबल बढ़ा सकते हैं। इसका उद्देश्य आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मनप्रीत कौर जी हैं हमारे बीच में, जो कि दिव्यांग सोसाइटी चलाती हैं। तो ये अपने बच्चों के लिए तो बहुत कुछ करती हैं, इसको मैंने खुद देखा हुआ है। इस बीच में इन्होंने 2-3 दिन पहले ये बताया कि एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और उस बच्चे के कोई अभी इलाज करने के लिए कोई जना नहीं है और उसका पैर और सब टूट गया है। तो ये बात हुई कि उसको किसी तरीके से वहाँ से यहाँ लाया जाए, तब तो ये पंजाब के रास्ते में है ना, तो यहाँ लाया जाए तभी इलाज किया जा सकता है। तो उसको एम्बुलेंस से, उन लोग से कहा गया कि एम्बुलेंस से भेज दें, एम्बुलेंस से भेजा तो यहाँ पर इन्होंने प्रयास करके दौड़ धूप करके हैलट में उसको भर्ती कराया। उसकी सारी प्लेटें, जो जितनी प्लेटें पड़ी हैं, डॉक्टर साहब ने सब प्लेटें चेंज की और फिर बात यह आई कि इस बच्चे का आगे कैसे वो होगा, कैसे इलाज होगा। उनके पिताजी को खबर की गई, पिताजी आए हैं, तो हम लोग ने जो भी अपने से हो सकता है वो कंट्रीब्यूट करके उस बच्चे के पिताजी को दे रहे हैं कि वो ले जाए बच्चे को और उसकी देखभाल करें ठीक से, और जिससे कि वो फिर से एक बार उसके दिल में, ये भी इन्होंने बताया कि उसके दिल में ये भावना आ गई थी कि मैं मर जाऊंगा और क्या कहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, इतना चोट लग गई है, पैर ख़त्म हो गया ये वो, मगर वो बिल्कुल अब स्वस्थ है और हैलट में अभी एडमिट है, जिसे आप लोग को किसी को देखना। अभी तक इलाज में लगभग कितना खर्च हो चुका है और आगे क्या उम्मीद है उसमें? उन्होंने काफ़ी अपनी मदद हैलट वालों ने भी की, डॉक्टर साहब ने, यानी फीस मतलब काफ़ी उन्होंने अपने माध्यम से प्लेटे व्लेटे का कुछ इंतजाम किया और हम लोग से जो हो सका वो। कितना खर्चा हुआ होगा? देखिए इलाज में तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर अपर्णा और डॉक्टर गर्ग ने इस केस को जब करीबी से देखा तो उन्होंने लगा कि। कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, कमर आलम, जन कल्याण न्यूज़।